नामकरण को इंग्लिश में नेमिंग कहा जाता है क्या? नेमिंग। गुंडे को इंग्लिश में गुंस कहा जाता है क्या? गुंस। मूर्ति को इंग्लिश में स्टेच्यू कहा जाता है क्या? स्टेच्यू। हीरा को इंग्लिश में डायमंड कहा जाता है क्या? डायमंड। शर्त को इंग्लिश में कंडीशन कहा जाता है क्या? कंडीशन। देवी को इंग्लिश में गॉडेस कहा जाता है क्या? गॉडेस। वनवास को इंग्लिश में एक्साइल कहा जाता है क्या? एक्साइल। बचना को इंग्लिश में अवॉइड कहा जाता है क्या? अवॉइड। कड़ी पत्ता को इंग्लिश में करी लीव्स कहा जाता है क्या? करी लीव्स। खीरा को इंग्लिश में कुकुम्बर कहा जाता है क्या? कुकुम्बर। गायब को इंग्लिश में मिसिंग कहा जाता है क्या? मिसिंग। खजाना को इंग्लिश में ट्रीजर कहा जाता है क्या? ट्रीजर। रिश्तेदार को इंग्लिश में रिलेटिव कहा जाता है क्या? रिलेटिव। पड़ोसी को इंग्लिश में नेबर कहा जाता है क्या? नेबर। ढीला को इंग्लिश में लूज कहा जाता है क्या? लूज। सागवान को इंग्लिश में टिक कहा जाता है क्या? टिक। जासूस को इंग्लिश में डिटेक्टिव कहा जाता है क्या? डिटेक्टिव। कलेजा को इंग्लिश में लीवर कहा जाता है क्या? लीवर। उल्लंघन को इंग्लिश में वॉयलेशन कहा जाता है क्या? वॉयलेशन। खड़ूस को इंग्लिश में चाक कहा जाता है क्या? चाक। और आप वैसे ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग मीनिंग्स की वीडियो हर रोज पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।